बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। किसी भी देश के विकास के लिए सशक्त बैंकिंग प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार कर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी हमारा ही कर्तव्य है। यह विचार बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा सुरेश खटोर ने क्लब की त्रैमासिक बैठक में व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि एम व्यास उपाध्यक्ष एवं सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी युवा बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। क्लब के संरक्षक आरसी लोडा सेवानिवृत्त कार्यकारी निर्देशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकर्स की लाइफ में आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एमएल कुमावत उप क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैंकर्स क्लब की त्रैमासिक बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गई बैठक में दीप प्रज्वलन एवं प्रार्थना के बाद सर्वप्रथम क्लब के सचिव एलएल गांधी ने सभी का स्वागत करते हुए बैंकर्स क्लब के गठन एवं इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व प्रबंधक एवं वर्तमान में महेश बैंक के संयुक्त प्रबंधक मदन खटोड़ा ने किया। भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डॉक्टर हेमेंद्र कौशिक बालकिशन सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापित संयुक्त सचिव बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महेंद्र शर्मा ने किया। विष्णु बोर्दिया सहायक महाप्रबंधक ने सुंदर कविता प्रस्तुत की। बैठक के साथ ही अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा सुरेश खटोड़ तथा एस एल ओस्तवाल मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक की सेवानिवृत्ति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा तिलक माला शॉल पगड़ी स्मृति चिन्ह एवं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन पत्र भी भेंट किया गया। अभिनंदन पत्रों का वाचन एल गांधी एवं मदन खटोड़ा ने किया। परिवारजन सीताराम खटोड़े एवं सी सोमानी ने भी इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई। इस अवसर पर राजेश जैन, महेश बैंक, गौरव सोनी, संदीप साखला, रोहित अग्रवाल, सभी पंजाब नेशनल बैंक HDFC से मनीष जैन एवं मनीष बोहरा, CCC के डॉक्टर CP मेटी, RP शर्मा, YD शर्मा, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दीपक शर्मा, रोहित सोनी, राकेश गुप्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा किशोर पारिक, DK जैन, भारतीय स्टेट बैंक आदि उपस्थित थे। फोन किया, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि सभी लोगों को प्रतिष्ठा के लिए तत्पर है। आप लोगों ने जो नियुक्ति दिनांक 13/7/1983, सेवानिवृत्ति दिनांक आने वाला कल 30/6/2022। हाँ इधर हाँ सर इधर देखिए आप लोग अपने अपने बैंक में या हम लोग अपने बैंक में 50 की मीटिंग है, मीटिंग बहुत ज्यादा सब जगह होती होगी, पर मेरे ख्याल से यहाँ किसी को भी नहीं लग रहा कि हम किसी और बैंक या इतने वैरायटी ऑफ बैंकर्स के बीच में आकर इस तरह के संबोधन पर सुन रहे हैं और एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं। शाम हमारे सम्माननीय महासचिव महोदय के अथक प्रयासों से उनके बड़े हम सभी को बहुत सभी को जोड़ कर रखने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। चाहे बोर्दिया साहब हो चाहे बालकिशन जी है, उनको लास्ट इवेंट में भी हमने निवेदन किया कि आपको आना है, और आदरणीय खटोर साहब और आदरणीय रोस्तवाल साहब, मैं पुनः आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सारे साथियों को पुनः निवेदन करता हूँ कि जब भी आपके पास में ऐसी कोई कॉल आए, कॉल तो आती रहती है परंतु ऐसी कॉल बैंकर्स क्लब की कॉल आती है तो कृपया अपना समय थोड़ा सा डिवोट करें और क्लब के